आंदोलन न जीत पाता है न किसी को जिता पाता है, लेकिन ऐसा नहीं जिता नहीं पाता, जिता पाता कि नहीं जिता पाता। शेखुपुर विधानसभा है, शेखुपुर में अगर महाआंदोलन होता तो कोई और जीतता, भारतीय जनता पार्टी जीतती। बताओ गलत बोल रहा हूं क्या? पटियाली बगल में लगी हुई है, पटियाली में भी अगर महाआंदोलन का ताकत न होती तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी। और दुर्भाग्य ऐसा कि दोनों जगह साथ के समाज के प्रत्याशी, उसके बावजूद महाआंदोलन के समर्थकों ने शेखुपुर में सपा के यादव जी को वोट दे दिया और पटियाली में मुसलमान जी को वोट दे दिया। दिया कि नहीं दिया? तो बिरादरी को हराने से क्या फायदा भाई? आप लोग बिरादरी को हरा देते हो, क्यों हरा देते हो? नहीं हराते हो? जोर से बोलो, हरा देते हो? नहीं। लेकिन मैं आज शेखुपुर के मंच पे हूं, दोनों विधानसभाएं सटी हुई हैं, मैं शेखुपुर के बदायूं में इस मंच पर कह रहा हूं कि अगर किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले विधायक जो स्वजाती हैं, सांसद लड़ने वाले जो स्वजाती नेता हैं, अगर वो उस विधानसभा के 30% लोगों को, 30% साथ के समाज को अगर खुश करके रख ले, तो मैं वादा करता हूं मैं उन्हें खुलेआम समर्थन कर दूंगा, कोई भी कोताही नहीं करूंगा, उनका खुद प्रचार करके उन्हें जिताऊंगा। लेकिन क्या जो साथ के विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, जो अपने समाज के लोग विधायक और सांसद बन जाते हैं, क्या वो अपने समाज के दुख दर्द में खड़े होते हैं क्या? बोलो, सब लोग बोलो, पीछे लोग नहीं बोल रहे हो, बोलो खड़े होते हैं क्या? नहीं होते। अपना काम तो कर ही लेते हैं, उनकी बेटी के साथ बलात्कार हो तो देखो कैसे काम होता है, वो थाने में जाकर उल्टा लटक जाएंगे। भगवान न करे किसी की बेटी के साथ बलात्कार हो, लेकिन जब अपने बेटी के साथ बलात्कार होगा उन नेताओं के, तो निश्चित रूप से थाने जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, मुंह से बोलो, जोर से बोलो, जाएंगे। लेकिन जब समाज के साथ जिनसे वोट लेकर विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, तब वो नहीं जाते, तब आपके साथ मिलते भी नहीं, आपके साथ अन्याय हो जाता है, वो मिलते ही नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई, यही कासगंज में पटियाली विधानसभा में राजा रिजौला है, राजा रिजौला गांव है, वहां राजा रिजौला कुछ लोग आए हैं क्या? आए हैं। राजा रिजौला में दबंगों ने, योगी जी की बिरादरी ने, खुलेआम कहता हूं किसी के बाप से नहीं डरता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता। जो डरते हो, जो डरते हो, सपा बसपा के झंडे के पीछे खड़े रहे। केशव देव मौर्य सम्राट अशोक महान का खून है, गर्दन कट सकती है लेकिन थूक नहीं सकती। केशव देव मौर्य की जबान पर ताला नहीं लगा सकते हो, केशव देव मौर्य के समाज को हिस्सा दे दो, केशव देव मौर्य चुप हो जाएगा, लेकिन तुम डरा कर ताला नहीं लगा पाओगे। मैं बता रहा हूं, यही राजा रिजौला में योगी जी की बिरादरी ने हमारे साथ के समाज के एक नौजवान लड़के को केवल इसलिए मारा कि उसके यहां जन्मदिन था, और उसके पास उसके यहां जन्मदिन था, उसमें दारू पीकर उनकी महिलाओं के साथ नाच रहे थे, उसने विरोध किया, तो सवेरे उसे जब टेंट का सामान वापस करने जा रहा था उसे चाकू मार दिया, 18 चाकू। क्यों गलत बता रहा हूं? 18 चाकू मार दिया। वो तो उसकी उसकी किस्मत थी कि वो पता नहीं कैसे बच गया, 18 चाकू, वो भी 9 इंच का चाकू रामपुरी धड़ाधड़ उसके पेट में घुसेड़ दिया गया, उसके बावजूद वो बच गया, भगवान का शुक्र है। लेकिन वो रिश्तेदार था पटियाली के, उस समय के विधायक साकेत जी का, नाम नहीं ले रहा लेकिन आप सभी जानते हैं, रिश्तेदार था, और इसी रिश्तेदारी के धौंस में उसने चुनाव में महाआंदोलन के पदाधिकारियों को गाली देकर भगाया भी था। लेकिन उसके बावजूद जब उसके साथ घटना घटी, तो मैंने सबसे पहले उनके पिताजी को फोन किया, नंबर लेके,
और मैंने कहा अगर आपकी मदद करते हैं विधायक जी तो ले लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता को आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपको मारने वाले दबंग योगी जी की बिरादरी के लोग हैं, उनके सामने भाजपा का नेता आपका विधायक जो वो खाली नौकर है, वो आपका एजेंट है उनका, वो आपकी उनकी कठपुतली, वो हिम्मत नहीं करेगा मदद करने की। अगर वो मदद करता है तो ठीक है, नहीं मदद करता तो आप आधी रात को मुझे फोन करिएगा, मैं एसपी और डीएम से आपकी मदद कराऊंगा। बताओ राजा रिजौला वाले, राजा रिजौला वाले बताओ उसकी मदद विधायक ने किया भाजपा के बिरादरी ने या केशवदेव मौर्य ने किया? किसने मदद किया बोलो? महान दल ने किया तो मदद नहीं किया? मैंने मदद किया, वहां दबंगई कर रहे थे, मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे, मैंने एसपी को टाइट किया, हमने कहा नहीं चलेगा ये आंदोलन हो जाएगा, मैं आपका थाना घेर दूंगा, आपका जिला घेर दूंगा, आप आराम से अन्याय मत करिए, जो घटना घटी उसमें जो लोग दोषी हैं जेल भेजिए। भेजे गए जेल? नहीं भेजे गए बोलो? भेजे गए जेल? केशवदेव मौर्य के नाते भेजे गए कि उसके जी जो विधायक है भाजपा को उनके नाते भेजे गए? बोलो किसके नाते भेजे गए? जोर से बोलो किसके नाते भेजे गए? महान दल के नाते भेजे गए। तो 15 साल क्या, 115 साल झेलना हो मुझे तो क्या दिक्कत है? 115 साल मुझे